जैश का प्रोग्राम ये वाकई नौजवानों का है। मैं तो बुढ़ा आदमी इसको खर्च देखने के लिए आया कि नौजवानों में कितनी हमारे ताकत है। मैं 81 साल हमारी एज है। मैं बहुत से हीरालाल रावत जी से 5 साल पहले यहाँ इसी स्टेज पर बात हुई थी। इन्होंने बताया था कि मैं ये प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। मैंने इनको आश्वासन दिया था कि दिल्ली से आपको जितना मदद लेना हो हम सभी लोग इसके बारे में मदद देंगे। और ये नौजवान साथी ये सब हमारे दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने तन मन धन से इसकी मदद की है, इसमें काम किया है। अलावा साहब, हम बुढ़े आदमी हैं लेकिन हमें महसूस होता है कि हमारे रग में अभी नौजवानों का खून बाकी है। हम सभी नौजवान साथियों का आह्वान करते हैं कि जब तक हमारा समाज परिवर्तित नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारा इशारा सिर्फ इतना है कि जब तक आपके पास राजनीति की चाबी नहीं होगी आपसे कोई ताला नहीं खुलेगा। इसलिए आपके पास राजनीति की चाबी होनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं 2019 में चुनाव लोकसभा का आने वाला है। आपने आजादी के बाद 70 साल तक आपने सब चुनाव देखे हैं। आश्वासन मिला है, काम नहीं हुआ है। आदिवासी के लिए फंड जितना लग इलाज हुआ है आप पर खर्च नहीं हुआ है, वो डाइवर्ट कर दिया गया है। आदिवासी के ऊपर अत्याचार हुआ है, आदिवासी जल जंगल जमीन से हटा दिया गया है। जो उसकी जमीन थी, उसकी प्रॉपर्टी थी, उस पर सरकार का कब्जा हो गया है। वो दर दर का भिखारी हो गया है। आपको अब सोचना पड़ेगा कि जब तक ये सरकार को आप नहीं बदलेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास अपना मताधिकार का तलवार है, मताधिकार का तलवार है, उससे जिसको चाहो काट सकते हो। मेरा निवेदन है अगर आप आदिवासियों के सच्चे सपूत हैं तो आने वाले चुनाव में एक ऐसे आदमी को आप चुनिए जो हमारे सही में समाज का सेवक है। जो बार बार चुन के आ रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, उसको लात मारो। मैं इतने साल से देख रहा हूं हमारे यहां सांसद चुन के आते हैं, एक भी आदिवासी का काम नहीं करते हैं। पार्लियामेंट में एक भी आदिवासी के पक्ष में बात नहीं बोलते हैं और वो बोल भी नहीं सकता है क्योंकि अपने पार्टी का गुलाम होता है, वो अपने पार्टी के मैनिफेस्टो पर चलता है। तो ऐसा सांसद आपके किस काम का? माननीय हीरा सिंह मरकाम को याद होगा, अभी उड़ीसा में सम्मेलन हुआ था उसमें मैंने अलग से बुला के आपको निवेदन किया था, शायद याद होगा कि दादाजी आपको पार्लियामेंट में हमें भेजना है चाहे जो भी तरीका अपना आ जाए, सिर्फ हम आपकी मंशा जानना चाहते हैं। आप खड़े हो किसी भी क्षेत्र से, चुन लो कोई भी क्षेत्र।